कल 465 आरडी शहीद भगत सिंह बस स्टैंड 20 अक्टूबर को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन श्रीमान सुरजाराम जी नंदीवाल और लिच्छीराम जी नंदीवाल जी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो जो जो साथी रक्तदान करना चाह रहे हैं, जो माताएं बहनें रक्तदान करना चाह रही है, वो कल 20 तारीख को शहीद भगत सिंह बस स्टैंड पर जरूर पहुंचे। साथियों, रक्तदान करने से एक तो आप किसी का जीवन बचा पाते हैं, दूसरा आपका स्वास्थ्य सही रहता है। मैं अब तक 12 बार रक्तदान कर चुका हूं और स्वस्थ पिछली बार के जन्मोत्सव पर रक्तदान किया था। उस रक्तदान में सुबह रक्तदान किया था और शाम को बच्चों के साथ में 12 किलोमीटर की रनिंग कर रहा था। तो रक्तदान करने से आपको नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप बहुत सारी दुआएं लेंगे लोगों से, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो सभी से विनम्र आग्रह है कि जो जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथियों को बोलें खुद आएँ रक्तदान करें, ताकि आपके 400 ग्राम खून से शायद किसी की जान बच जाए। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बात है आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पिछली बार आज से लगभग 4 महीने पहले एक हरियाणा से एक कोई बहन जी थी, उनका कॉल आया था फतेहाबाद से। तो उनके हस्बैंड पीबीएम में कैंसर वार्ड में एडमिट थे, उनके आंत में कैंसर था। और रात को 11 बजे उनका कॉल आया, सर सुबह 4 बजे सुबह मॉर्निंग टाइम में उनका ऑपरेट होना है और 4 बोतल ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है, उनके लिए उपलब्ध करवाना काफ़ी मुश्किल था। तो बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछली बार तेजो जी महाराज के जन्मोत्सव पे हम लोगों ने 465 आरडी पे आप सबके सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, तो वो ध्यान में था। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदिराज जी भाई साहब हैं, इंदिराज जी बेनीवाल, उनको कॉल किया, उन्होंने ब्लड बैंक में बात की, 4 बोतल वहाँ पर उनको खून उपलब्ध करवाया गया। और हमारे डायरेक्टर महोदय सईराम जी ने वहाँ डॉक्टर साहब से बात करके उनका ऑपरेशन करवाने में बड़ी मदद की। तो उसके बाद उनका 2-3 दिन बाद में कॉल आया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और अभी स्वास्थ्य उनका ठीक है। अभी 2 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने बोला भाई साहब आपके आशीर्वाद से हम सब ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आशीर्वाद से नहीं, आप सब के आशीर्वाद से वो ठीक है। और किस लिए ठीक है कि हम सब ने मिलके